ये सरकार निरंतर डरी हुई है, इसलिए इस तरह का कृत्य करने का काम कर रही है। पहले ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, अभी तक इनकी आदत में कोई सुधार नहीं है, आज भी उसी तरह के कृत्य को। कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, पदाधिकारियों पर महामारी एक्ट का मुकदमा लिखा जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि ये किसके इशारे पर हो रहा है। हमारे सोशल मीडिया के इंचार्ज श्री मोहित पांडे दिल्ली से उसी दिन आते हैं, 5:30 बजे शाम को यह टोल टैक्स की रसीद इस बात की गवाह है, पेटीएम से पैसा दिया जाता है और वो दिल्ली से लखनऊ के रास्ते में होते हैं। फिर वो उस मामले में मुकदमा के दोषी कहां पाए जाते हैं। श्री मनोज यादव जो हमारे महासचिव हैं, वो हम लोगों के साथ गिरफ्तारी में इको गार्डन में रहते हैं और इको गार्डन में वो वहां पर मुचलके पर 51 नंबर नाम अंकित है, मुचलके पर छोड़े जाते। अनूप गुप्ता जिसके ऊपर मुकदमा दायर हुआ है, वो दिन भर पीसीसी के अंदर उसी कमरे में बैठे होते हैं, सीसीटीवी फुटेज कैमरा में पूरी तरह उनकी तस्वीर है, उसके बाद महामारी में वो कहां पाए जाते हैं। निश्चित रूप से जो यह मुकदमा 3:11 पर दर्शाया गया है, सरकार की मानसिकता को उजागर करता है कि ये सरकार लगातार यह चाहती है कि हम कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर मुकदमा लिखकर डरा देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से महीने भर से पुलिस हमारे गेट पर, एसटीएफ और एलआईओ के जवान यहां भी बैठे होंगे और निरंतर हमारे कार्यालय। ये सरकार निरंतर डरी हुई है, इसलिए इस तरह का कृत्य करने का काम कर रही है। पहले ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, अभी तक इनकी आदत में कोई सुधार नहीं है, आज भी उसी तरह के कृत्य को कर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। आप जितनी मजबूती से दबाइएगा, जेल भेजिएगा, लाठी चलाइएगा, मुकदमा लिखिएगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित है आपकी सरकार जो अन्याय, जुर्म और अत्याचार कानून व्यवस्था पर, मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है, रोजगार विरोधी है, नौजवान विरोधी है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित है आदरणीय प्रेम का गांधी जी के नेतृत्व पर सड़कों से लेकर सदनों तक आंदोलन करने का काम करेगी। न डरे हैं।